हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप इनके हेयर में देखिए कितना ज़्यादा दो मुहे की प्रॉब्लम है, और नीचे ही नीचे नहीं बल्कि इनको जो है बिल्कुल ऊपर तक हो चुका है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो में उतना नहीं दिख रहा जितना ज़्यादा सामने से दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा हो चुका है इनके बालों पर दो मुहे की प्रॉब्लम। तो ये हेयर कट मैं कैसे की उनके बालों पर, वो सब कुछ आपको आगे की वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट करना। तो सबसे पहले मैं बालों को अच्छे से गीला करके टैंगल फ्री कर ली हूँ, और आपको इस तरीके से हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेना है, क्योंकि फ्रंट से कटिंग स्टार्ट करूँगी मैं। ये देखिए, और अच्छे से टैंगल फ्री कर लें, ताकि अगर हम कटिंग करते समय कोई भी गठान बीच में आती ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम देती है। इस वजह से बालों को प्रॉपर रेडी कर लें, उसके बाद ही कट स्टार्ट करें इस टाइप से। और आप देख सकते हैं इनकी लेंथ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेंथ इनकी ज़्यादा नहीं है, और कितना ज़्यादा कम हेयर है ये देखिए। तो सबसे पहले गाइडलाइन के लिए हम क्या करेंगे कि कान के सामने से बालों को लेना है, ठीक है। अगर थिकनेस अच्छी हो तो आप कान के ऊपर से ले सकते हैं, या कान के पीछे से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बहुत ही पतले बाल हैं ना, तो फिर आप कान के सामने से बालों को लेंगे। ये देखिए, कान के सामने से निकाली हूँ, फिर भी कितना पतला पतला हेयर लग रहा है देखने में इस टाइप से। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा आपको सप्ताह में दो बार प्री कंडीशनिंग करना चाहिए, और स्पा वगैरह हम समय समय पे लेते रहना चाहिए, और कटिंग भी समय समय पे कराते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि इस टाइप के जो इनको प्रॉब्लम हुई है वो किसी को भी नहीं होगी। तो गाइडलाइन के लिए दोनों तरफ के बालों को आपको एक साथ में मिक्स करना है, और ये देखिए सामने की तरफ लेके आना है। लेंथ आप जो है हेयर के हिसाब से रखेंगे, या फिर आप अपने क्लाइंट से भी पूछ लेंगे कि उनको कितना शॉर्ट रखना है, बट पहली लेयर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कट करेंगे, क्योंकि लुक तभी आता है जब आप फ्रंट वाली जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट और सेकंड, उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखें। तो इस तरीके से कोम करते हुए मैं आपको बहुत ही आराम से दिखाते हुए चलूँगी, ताकि आप प्रॉपर समझ सकें। और हाँ, मैं इनके बालों पर जो है मल्टी स्टेप हेयर कट कर रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि इनको लेंथ भी शॉर्ट नहीं करवानी है, और मल्टी स्टेप्स में मैं इस तरीके से करने वाली हूँ, ताकि जितना भी इनका ऊपर का दो मुहा हो गया वो भी अच्छे से कटिंग के थ्रू निकल जाए। और हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों तरफ के लिए हमको गाइडलाइन मिल चुकी है, और अब इस तरीके से इसको दो भाग में ही मैं डिवाइड करके कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही कम हेयर है, और आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर ली हूँ, और गाइडलाइन के साथ में मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है ऐसा स्लाइडली कट करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है शॉर्ट नहीं करनी है। सीजर का मुंह बंद नहीं करना है आपको, एक जगह आप रखेंगे और नीचे खिसकाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, लास्ट वाली लेयर को भी ऐसे ही कर लेना है इस टाइप से, इसको भी कर लेंगे। और किसी को भी अगर इस तरीके से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, तो पहले तो आप कटिंग करवा लें, स्पा लें, और उसके साथ ही साथ जब आप प्री कंडीशनिंग करते हैं ना, तो कोकोनट ऑयल में एलोवेरा जेल मिक्स करके अच्छे से अपने बालों में लगाएं, और उसके बाद आप जो है उसको एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो शैम्पू कर लेंगे, फिर आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, और इस तरीके जैसे इनका हेयर डैमेज हुआ वो प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। तो सेम वही प्रोसेस इधर का भी कर लेना है आपको, ऐसा पकड़ना है, और देखिए सीजर को एक जगह रखना है और धीरे धीरे खिसकाते हुए चले जाना है। ये देखिए, लास्ट वाले लास्ट जो लेयर है उसको भी मैं ऐसा कर लूँगी। ये हो चुका है फ्रंट से, और अगर आपको ऐसा स्लाइडली कट करने में प्रॉब्लम हो ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो सामने से हो चुका है, आप सारे बालों को आपको पीछे की तरफ लाना है। तो अब कटिंग बैक साइड से करनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्पल एरिया है ऊपर का हिस्सा, वहाँ से हम बॉक्स पार्टिंग करने वाले हैं। तो पार्टिंग आपकी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, तीनों तरफ से इक्वल हेयर निकले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस टाइप से, और ऊपर की तरफ कोम करते हुए लेके जाना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ कोम करते हुए लेके जाना है। बहुत इजी प्रोसेस है, और कटिंग बहुत अच्छी आएगी। और इसको जो है, जो हम चिन एरिया में कट किए थे ना सामने में सबसे पहली लेयर, उसी गाइडलाइन के हिसाब से इस वाले बाल को कट कर लेना है
ठीक है। तो ये बॉक्स एरिया का कटिंग हो गया। तो अब हम पीछे जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हैं उसको कट करने के लिए तीनों तरफ के लिए आपको गाइडलाइन के लिए थोड़े थोड़े से हेयर निकाल लेना है, ये देखिए। और जितना बच रहा है ना, वैसे तो बहुत थोड़ा सा बचा है, बट उसको मैं क्लिप कर दूंगी। देखिए इस तरीके से क्लिपिंग कर देनी है, इस टाइप से। और अब जो है उसी गाइडलाइन के हिसाब से मैं ये जो नीचे का हेयर है उसको कट करने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है। उसके लिए आपको इस तरीके से सेक्शन वाइज जो है हेयर लेते जाना है, थोड़े थोड़े से पतले पतले ही सेक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लेंगे, और ऊपर की तरफ लेके चलेंगे और गाइडलाइन को देखते हुए कट कर देंगे। गाइडलाइन हमारी वही है जो हमने बॉक्स एरिया कट करने के बाद तीनों तरफ के लिए हेयर निकाले हैं, वही हमारी गाइडलाइन है। तो इसको जो कट आपको बराबर ही करना है, ये देखिए गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपको बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हुए चले जाना है। और ये लेयर कट हो चुका है, तो आगे के बालों को भी कट करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी लेयर में मिक्स करने के लिए यहाँ से गाइडलाइन को मैं निकाल ली हूँ थोड़े से। देखिए ऊपर की तरफ कोम करते हुए लेके चलेंगे, हल्का सा सामने की तरफ झुका रही हूँ मैं। इससे क्या होता है कि जो लेंथ है ना वो शॉर्ट नहीं होती है। तो बस यही प्रोसेस आपको पीछे की तरफ पूरे बालों पे कर लेना है, बहुत ही इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको गाइडलाइन फॉलो करते हुए सारे लेयर को कट कर देना है। ये देखिए यहाँ से भी थोड़े से बालों को मैं निकाल ली हूँ, आगे वाले बालों पे मिक्स करूँगी और उसी को देखते हुए मैं कट कर लूँगी। आप लोग डरे नहीं, कटिंग आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपके साथ में अगर गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो करते जाएँ और उसको कट करते जाएँ। और अक्सर लोग पूछते हैं कि गाइडलाइन के बराबर करना है या ऊपर करना है या नीचे करना है, तो ऊपर नीचे नहीं, आपको जस्ट गाइडलाइन के बराबर हेयर कट करना रहता है। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए ये भी हो गया है, और बस वैसे ही सेम प्रोसेस आपको थोड़े थोड़े से हेयर निकालते जाना है और आगे वाले लेयर पर मिक्स करते जाना है। देखिए थोड़े से बालों को निकालूंगी मैं और कटने वाले बालों पर मिक्स कर ली हूँ और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इस कटिंग से क्या होगा कि इनका जितना भी दो मुँह का प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से कट के बाहर हो जाएगा, और जितना नीचे छूट रहा है उसको छूट जाने देंगे, लेकिन कोशिश करें दोबारा आप अच्छे से पकड़ के कट करें। ये देखिए दोबारा हर एक लेयर की रीचेकिंग करते हुए ही कट करेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग से कट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा कटिंग का। तो ये देखिए कितना जल्दी हो गया है। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा डाउन करना है सामने की तरफ और कट कर देना है। और इनका जो नीचे नीचे का हेयर है ना, वो ऊपर वाले के हिसाब से नीचे का हेयर थोड़ा सा छोटा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो तो अंदर ढक जाना है। और ये लास्ट वाले सेक्शन को भी देखिए ऐसा पकड़ना है और बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाना है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो वीडियो को देखते देखते लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग का एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए सामने की तरफ ले जाना है और कट कर देना है। तो ये देखिए बैक से भी हो गया है, और जो हमने ऊपर में पिनअप किए हुए हेयर हैं उसको भी ओपन कर देना है इस तरीके से। ये देखिए तो पीछे से हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। स्टेप्स की मिक्सिंग करना है, तो स्टेप्स की मिक्सिंग जो है इसको हाफ एंड हाफ डिवाइड करके हम करने वाले हैं। ये देखिए तो आपको इस तरीके से आधे बालों को एक साथ में उठा लेना है, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी चौड़ी कोम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब एक साथ में ऐसा पकड़ते हैं ना तो पतली कोम अच्छे से नहीं काम करती। इस वजह से मैं हमेशा जब भी एक साथ हेयर उठाने होते हैं तो मैं चौड़ी कोम ही यूज़ करती हूँ। और इनका हेयर बहुत ज़्यादा फंसने वाला भी था और इतना रफ हो गया दो मुहा होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग ना बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना, हमेशा अपने हेयर की केयर किया करें। ये देखिए तो इसको जो है कट कर देंगे बराबर, और हल्का सा नोचिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए तो ये हाफ वाला हो चुका है, अभी लास्ट वाला भी करना है। तो आप क्या करेंगे, अभी हम सारे बालों को एक साथ उठा लेंगे। ओके अभी देखिएगा इस टाइप से, तो आप
पूरे बालों को एक साथ उठा लेना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है, जो कि मैं और भी कटिंग में आप सबको दिखा चुकी हूँ। तो इससे जो हमारे स्टेप्स का जो मिक्सिंग है ना, वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, हल्का हल्का सा कट करके इसको आपको नोचिंग कर देना है उसमें। तो ये देखिए पूरा उस ऊपर से लेके नीचे तक कितने अच्छे से स्टेप्स आ गए इनके बालों पे, और जितना दो मुहे का प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया, वो पूरी तरीके से इनके हेयर से निकल चुका है अभी। उसके बाद हाफ एन आप डिवाइड करके फ्रंट साइड लेके चलना है बालों को इस तरीके से। ये देखिए एक साथ में आपको ग्रिप करना है और जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उतना ही आपको कट कर देना है। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए सामने से भी कितना अच्छा लुक आ गया है। सेम वही आपको इधर का भी कर लेना है, कान के ऊपर से बालों को उठाना है, ठीक है, इस तरीके से सारे बालों को कोम करते हुए ऊपर तरफ से लेके चलना है इस टाइप से, और एक साथ में ग्रिप करेंगे। और आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी कम है, लेकिन कटिंग होने के बाद में काफ़ी अच्छा हेयर लग रहा है। और हल्का सा तिरछा कट करेंगे इसको, ये देखिए, तो देख सकते हैं सामने का लुक कितना अच्छा लग रहा है अभी। और कटिंग होने के बाद फेस का लुक भी आप विदाउट सेटिंग भी देख सकते हैं। और हाँ, सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। सेटिंग की वीडियो मैंने डाली हुई हैं, अलग अलग से भी डाली हैं और बहुत सारी वीडियोस में भी दिखाई हैं। तो आज मैं सेटिंग जो है स्किप कर दूंगी, क्योंकि उसे जो है वीडियो सिर्फ लंबा हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो में सेटिंग दिखाया जाए। उसकी वीडियो मैंने अलग अलग से भी प्रॉपर तरीके से दिखा के समझा के डाली, अपलोड की हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो फ्रंट से हो गया है, और लास्ट में आप लोग जानते हो कि मैं कटिंग करने के बाद में ये काम करना कभी नहीं भूलती। तो ये है जो कि मैं नीचे नीचे से फिनिशिंग देती हूँ। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊंगी, अभी सेंटर को स्ट्रेट कट करेंगे और आइट साइड को आपको तिरछा कट करते हुए चले जाना है ये इस टाइप से। इस टाइप से करना है, और मैं इनके बालों पे जो है रॉड सेटिंग कर दूंगी, ठीक है। तो सेटिंग की वीडियो स्किप कर रही हूँ मैं, आप सबको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि डाली हूँ मैं, आप देख लेना सेटिंग करके। उसमें देखोगे तो बहुत सारी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो पीछे से आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग मैं दे दी हूँ, और बहुत अच्छे से हेयर कट कम्प्लीट हो गया है। और फाइनल लुक भी आपको जल्दी ही दिखाने वाली हूँ मैं अभी, ये देखिए। तो जितना भी इनका डैमेज हेयर था वो अच्छे से निकल गया है। तो ये है इनके हेयर कट का फाइनल लुक, सेटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम थी वो पता भी नहीं चल रही है। और लुक वाइज देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। तो मैंने इनके बालों पे जो है रॉड सेटिंग की है, और उसकी वीडियो मैंने अलग से भी डाली है, और बहुत सारी वीडियो में भी मैं दिखाई हूँ उस चीज़ को, इसलिए आज मैं स्किप की हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ गया है, और जितना भी दो मुहा था वो अच्छे से कट के बाहर निकल गया है। ये देखिए, तो बैक लुक आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं बैक एंड फ्रंट दोनों लुक दिखाने वाली हूँ आप सबको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, सबको बहुत अच्छा लगा, इनको भी बहुत पसंद आया। लेकिन आप सब कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा। और हाँ, ये हेयर कट आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए तो आप देख सकते हैं फेस का लुक कितना चेंज हो गया कट होने के बाद में। टाइप से मैं आपको कॉम करके भी अच्छे से दिखाऊंगी। तो बैक साइड से आपने इनकी कटिंग देख ली है, और अब आप इनका फ्रंट लुक देखिए। सच में मतलब हेयर कट पे कितना पावर होता है, आप देख सकते हैं कितना लुक चेंज हो जाता है, कितना मतलब बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश अभी इनका फेस लग रहा है, देख सकते हैं आप। और कॉम करके भी दिखाऊंगी। मैंने सेटिंग बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही की है, क्योंकि ऑलरेडी इनके हेयर थोड़े से रफ और बहुत ही फ्रिजी टाइप के थे, बहुत हल्का हल्का सा मैंने रॉड चलाई है। ये देखिए कॉम करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे स्टेप्स बिल्कुल निखर के दिख रहे हैं अभी, ये देखिए। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट्स करना तो बिल्कुल भी आप सब मत भूलिएगा। ये देखिए
सबसे, इनको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और जितना भी इनका हेयर डैमेज था वो भी देख सकते हैं आप कट हो गया है। और ये है इनका कटा हुआ हेयर जो कि आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही कट हुआ है। तो मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।